असला मानुकी स्टोरी के नए एपिसोड में मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूँ प्यारे दोस्तों आज मैं आपको दोहरे अक्स की दूसरी किस सुनाने जा रहा हूँ घर में जब हमारी मौत की खबर मिली तो जो घर शादी वाला था अब उस घर में मौत की धुन छा रही थी हर तरफ गम ही गम फैला हुआ था अम्मी अबू का बुरा हाल था एक जो छोटी बहन थी उसका तो और भी ज्यादा बुरा हाल था मैं और मेरी छोटी बहन दोनों हम शक्ल है महीने इसी तरह दुख और परेशानी में गुजरे फिर हमारे घर में रात के बारह बजे के बाद पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना शुरू हो गई हमारे घर के अलावा हमारे पूरे मोहल्ले में भी अजीब अजीब से हरकत होना शुरू हो गई हमारी गली के साथ मेन रोड था कभी कभार रात के बारह बजे के बाद कोई लड़की दुल्हन के जोड़े में यहाँ घूमती फिरती हुई दिखाई देती थी जिसकी शक्ल मेरी बहन से बहुत ज्यादा मिलती थी और जिसकी वजह से और ज्यादा हादसा रूनुमा होने लगे पूरे इलाके में खौफ और राज फैल गया था हमारे महल्ले से कई लोग अपने अपने घरों को छोड़ के जाने लगे चंद दिन के अरसे में मेरी छोटी बहन का रिश्ता आ गया तीन से चार महीने के अंदर मेरी छोटी बहन का रिश्ता आ गया अम्मी अबू ने लड़के को जब देखा इसकी तफ्ती की, इसके बारे में की तो लड़का अच्छा लगा अम्मी ने इसके लिए हाँ कर दी पूरे एक साल के बाद मेरी छोटी बहन की शादी होनी थी प्यारे दोस्तों ये थी दोहरे अक्स की दूसरी किस्त अगर आपको किस्त अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल अनोखी स्टोरी से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा जजाक वालेकुम